Hello, dear viewers. Welcome back to Ayangnam Vlog. देखिए viewers, मैं क्या कर रही हूँ? मेरे प्यारे viewers, ये जो है क्या है? शायद बहुत लोगों को मालूम होगा और बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा। तो आपको बता दूँ, मैं आज बनाने वाली हूँ हमारा आदि ट्रेडिशनल ब्लैंकेट। तरह से हम आदि जनजाति के लोग ने जो ये ब्लैंकेट बनाते हैं, आज के इस जमाने में आकर के ये जो आदि ब्लैंकेट है देखने में इस प्रकार होता है ये। आप लोग, बहुत लोग ऐसा सोच सकता है कि इसको कैसे उड़ेगा। तो आपको बता दूं, इसको कैसे उड़ेगा वो बात सही है, और हम भी आजकल नहीं इसको उड़ते हैं, इसका प्रयोग नहीं करते हैं। बट बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जहाँ इसका इस्तेमाल बहुत 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 ज्यादा जरूरी हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है इसका इस्तेमाल। जैसे कि स्पेशली फ्यूनरल में हम लोगों को इसको, जो इसका डेथ हुआ है उसका में डालना ही होता है। जैसे क्लोज रिलेटिव को, हम लोगों का ये नियम है कि हम लोगों को ये जो ब्लैंकेट है, आदि ब्लैंकेट है, उसको जलाना पड़ता है, दान करना पड़ता है। तो इट इज वेरी 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 इम्पोर्टेंट है आवर कल्चर। तो आपको दिखाएंगे कि इसको बनाया कैसे जाता है। तो वीडियो कुछ लंबा होने वाला है, तो प्लीज बने रहिएगा वीडियो के अंत तक आगे का प्रोसेस देखने के लिए। देखिए, इसको पहले ये जो सपोर्टर होता है इसको बीचों बीच मिलाना पड़ता है, और इसका जो लेंथ है मिलना पड़ेगा। ये स्टिक इसको बनाने में बहुत ही काम आता है। अब देखो ऐसा ये करके करके बाहर यहाँ से बाहर करके इसको कहते हैं बादुरा। ये भी एक तरह का ट्रेड है, यहाँ से ब्लैंकेट ही बनेगी। यहाँ से हम लोगों का जो मेखला होता है वो नहीं बनता है, इससे बादुरा इसको बनेगा ब्लैंकेट। तो सबसे पहला जाएगा, देखिए जूम इन करके दिखाओ। तो ये जो यहाँ में देखिए, आप तीन स्टिक दिखाई दे रहे होंगे। एक होता है जो थ्रेड है वो ऊपर नीचे होना पड़ेगा उसको बनाने के लिए, और ऊपर नीचे करने के लिए हम लोग ये जो धागा है, एक होगा इसका नीचे, एक होगा इसका ऊपर। ये जो बॉल है इस तरह से गोल गोल करके हमने चरखा में, चरखा एग्जैक्टली नॉट चरखा बट लाइक चरखा, हम लोग इसका बॉल बनाते हैं। अभी हमें इसे बुनना है। तो अभी इसको वीविंग करने के लिए शुरुआत में करना पड़ेगा, ये जो इसको कहते हैं सुंपा, इसको ऐसे मारने का जो हथियार है। सबसे पहले हम इसमें एक छोटा सुंपा घुसाएंगे जिसको सपोर्ट कर देंगे, नहीं तो ये पूरा नीचे चला जाएंगे। इसके बाद अभी देखिए इसका ये जो रस्सी डाला गया इसका काम क्या है, इसको ऐसे उठा बनना शुरू होगा आदि ट्रेडिशनल ब्लैंकेट। देखिए पहला धागा ये बनना शुरू हो रहा है, इसको हम इससे ही करके रखेंगे, इसको प्लेन नहीं बनाएंगे। इसमें हम जो कॉटन है उसको भी लगाएंगे,
लगाने का जो प्रोसेस है उसके बाद शुरू होगा। अका मारू देखिए अभी ये जो हमने यहाँ का जो ट्रेड है इसको लगाया था, इसको हम यहाँ पैसा देंगे। खत्म होते समय जो ट्रेड को बांधा गया था इसको भी हम यहाँ खोल देंगे और यहाँ फंसा देंगे उसके साथ, ताकि ये वापस नहीं निकले। पूरी दिन कॉटन लगाने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाए। इसको कहते हैं उतम। इसका सपोर्ट से ये आगे बढ़ेंगे। अगर ये जो सपोर्टर है, सपोर्टर को नहीं लगाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अनइवन हो जाएगा। ये जो मैकेज है कोई छोटा कोई बड़ा, इसीलिए ये बहुत जरूरी है। ये है डापुट, ये कॉटन का बनाया होता है। अपने से भी हम इसको बनाते हैं लेकिन ये रेडीमेड आया हुआ है। तो ये है कॉटन, इसको हम वहाँ में लगाएंगे जिससे हमारा ब्लैंकेट हो जाएगा गर्मा गर्म। शार्प होना पड़ता है जिससे कि ये एकदम क्लीन कट करे, लेकिन ये दाव धार नहीं होने के कारण देखिए ऐसा हो गया। तो इसको हम लगाएंगे हमारे ब्लैंकेट में, तो इससे हमें मिलेगा गर्मी। अभी हम देखिए घर बनाएंगे जहाँ में हम लोगों को जो कॉटन का स्वेद है उसको लगाने का जो घर है उसको हम बनाएंगे। बॉर्डर में मैंने रख दिया हमें 8 घर, 2 घर बीच में, 4 घर फिर 2 घर, 1, 2, 3, 4 से इस तरह से हम इसको करेंगे। ओए पॉप नहीं करी दे, नो 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 जोई बर्बाद नहीं करेंगे ना। ए जोई हूँ नहीं दे, नो 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 या इसको क्या करेंगे, एडजस्ट करना पड़ेगा। इसमें 3 रख देते हैं, 2 कॉटन डालना शुरू करेंगे। देखिए इस तरह से निकाला है, इस तरह से जो फूल है इसको लगाते हैं। कॉटन का जो थ्रेड है छोटा छोटा जो हमने काट के रखा है, ओए कॉप भी कर रहा है। ओके इस तरह से लगाएंगे और बुनते जाएंगे, एंड में ये खत्म हो जाएगा और हाँ पॉप अप हमारा काम आ जाएगा। मेरे हाथों का जो स्पीड है आप देख ही रहे होंगे, पॉप को दिखा रहे हैं हम पॉप को भी। हाँ पॉप, नो 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 जॉय डू नॉट डिस्टर्ब जॉय, ऐसे नहीं ना। जॉय ओलो देखिए जॉय ने क्या कर डाला, ऑन नहीं ऑन नहीं नहीं चाहिए ऑन, नो 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 माँ देखिए मेरा एक लाइन कंप्लीट हो चुकी है। इसको थोड़ा सा ऐसे कर देंगे ये, फिर ये ऊपर और नीचे भी क्या है भाई।
डिस्टर्बेंस फैक्टर, बड़ा ही रुकावट। जो क्या कर रहा है सुम बाबा, सुम वाह जो क्या कर रहा है, ब्लैंकेट बना रहा है। पॉप देखेगा इस तरफ करो तो, अबे ब्लैंकेट बना रहा है। जिंगहाई सुम की तो अब देखते हैं लास्ट का जो प्रोसेस है इसको किस तरह से करेंगे। मुझे करने नहीं आता तो देखिए मेरी माता जी मुझे सिखा रही है किस तरह से क्या क्या है। बीच से काटेंगे एक ऊपर। देखिए गाइस ब्लैंकेट को इस तरह से ऐड करेंगे। यहाँ में एंड खत्म हो चुका है तो ये था स्टार्टिंग का जो पोर्शन है और यहाँ में एंड हो रहा है तो एंडिंग का जो पोर्शन है इसको इस तरह से बेनी टाइप का, बेनी यानी कि हम जो बाल को बेनी करते हैं ना उस तरह से थोड़ा सा बनाते हैं। तो देखिए उसके लिए हमको लेना पड़ेगा 5, 1, 2, 3, 4 उसके बाद यहाँ में एक और 5वां। तो उसका हम लोग क्या करेंगे जैसे बेनी करते हैं इसका जो गुच्छा है उसका ऊपर आगे पीछे करके करो तो दिखाते हैं उसको। एक नीचे रह गया फिर ऊपर उठेगा फिर एक नीचे रह जाएगा और फिर एक ऊपर बस, और पहला वाला लास्ट में उसको लेके आएगा और इस तरह से फिंगर से आप पकड़ेंगे और काटेंगे एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर। तो इस तरह से ये करते जाएंगे तो ये इस तरह से बन जाएंगे और इसी तरह से इसको पूरा का पूरा बना लेंगे। दोनों जो पल्ला है इसको जोड़ना है और ये है हमारा लास्ट स्टेप। दो पल्ले को, दो जो पल्ला बनाया था अलग अलग करके उसको जॉइंट करेंगे इस तरह से। और इसको जो ब्लैंकेट है यूजुअली हम लोग इसको जो भी सिलाते हैं उल्टे तरफ में सिलाता है लेकिन अभी इसको मम्मी कह रही है कि इसको सीधा में सिलाना होता है तो इसे अभी मेरी मम्मी सिल रही है अपने हाथों से। इस तरह अभी ये जब सिल के खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारा जो ब्लैंकेट है वो तैयार हो जाएगा। और देखिए व्यूअर्स हमारा ब्लैंकेट हो गया है तैयार और अभी इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाना चाहिए दिखाओ तो थोड़ा। देखिए इसका इस्तेमाल इस तरह से किया जाएगा, ये जो जहाँ में कॉटन है ये अंदर की ओर होगा ताकि हमें गर्मी मिले और ये होगा उल्टा, इसीलिए जब ज्वाइन किया गया था तो यहाँ में इस तरह से ज्वाइन किया था। देखिए एक बार दिखा देती हूँ आप लोगों को, यहाँ पे देखिए इस तरह से। तो ये हो, ये रहेगा ऊपर की ओर और ये कॉटन वाला पोर्शन रहेगा अंदर की ओर। तो ये था हमारा ब्लैंकेट वाला ब्लॉक। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर। टिल देन स्टे हेल्दी पीपल, बाय।